मैनू बच्चों नाल वैसे ही बहुत लगावा तो साड़ी टीम ने ही ऑब्जर्व किया कि इतने जोड़े भी बच्चे ने सारे जने कि इदा सारा दिन इधर उधर घूमते रहेंगे ने लंगर के कट्ठे हुए होंगे ने कुछ चुक रहे होंगे ने तो मतलब साढ़े को आ रहे ने पर आप इन्हों दे ही रहे हैं तो असी सोचा कि क्यों ना इस एनर्जी नू यूज़ करिए इन्हों बच्चों नू पढ़ाया जाए ताकि ये भी कुछ सीखन और असी भी इन्हों तो कुछ सीखिए तो इसलिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया शुरू वाले देश दे विच इदा ही कि बच्चों खुद लैके आना पैंदा ही पर हुण इह देखदे ने कि मतलब इत्थे पढ़ाई चल रही है तो अपने आप आ जांदे ने नवे रिश्ते बन रहे ने यूथ सामने आ रहा है स्पेशली मुंडिया बारे धारणा होंगी कि पढ़ते नहीं इतने तुम देखोगे ज़्यादातर मुंडे ही पढ़ रहे हैं सो काफ़ी सारे जोड़े पहलों तो साढ़े दिमाग के धारणा वही वह टुट रही ने सब तो सोहना ही होंगे जो कुछ बच्चे रेगुलर आन डे पे ने तो आ जिम्मे हग करते हैं तो उन्होंने जो मतलब एक वक्री जी सांझ जी बन रही है इन्हों एक छोटी जी बच्ची जिन्हें मैनू कहा कि पंजाबी बहुत वधिया होंगे ने ते जो मैं वड्डी होवांगी तो मैं पंजाब आवांगी सो जिनी एक्साइटमेंट दे नाल कह रही सी तो वो मैनू लगा मतलब अपनी कम्यूनिटी ते प्राउड भी फील होया कि मैं इस कम्यूनिटी नू बिलोंग करती हाँ सत श्री अकाल तुसीं जुड़ चुके हो अखर दे नाल दिल्ली तो लगातार कवरेज तुहानूं दिखा रहे हाँ तो बहुत सोहनिया तस्वीर अज लैके तुहाडे सामने पेश होए हाँ तस्वीर एक बार संधु साहब अगे नूं आके दिखाओ कि ये वो बच्चे ने जिहड़े कि अंदोलन दे विच लोकल बच्चे ने कोई कूड़ा चक रहा सी कोई ऊं लंघ रहा सीगा जिहड़े पढ़ नहीं पा रहे झुग्गियां च रहिंदे ने इन्हां बच्चों नूं इकट्ठा करके एक फुलवाड़ी बनाई फुलवाड़ी बनाउण वाले भी साढ़े विच ने धरने के जहाँ तक कंवर गरेवाल की गल हों कंवर साढ़े नाल ने कंवर सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी तुम कितों आ थोड़ा अगे नजर ताकि पिछले बच्चे भी देखते रहन तुम कदों तो पहुँचे हुए हो मैं ऑलमोस्ट दो हफ्ते हो गए ने दो हफ्ते तो ज़्यादा ही होने वाला है तो मतलब दो हफ्ते तो मैं इतने जुड़ी हुई हाँ इतने सारे आपो अपना सहयोग लैके कोई लंगर लैके आ रहा है तुम यह सिक्ख्या का लंगर इतने लाया होगा किमें मन के कि एक वक्री चीज़ की जाए सो मैं वैसे भी पिछले 5 साल तो एजुकेशन दे विच ही काम कर रही हाँ तो मैनू बच्चों नाल वैसे ही बहुत लगावा तो साड़ी टीम ने ही ऑब्जर्व किया कि इतने जोड़े भी बच्चे ने सारे जने कि इदा सारा दिन इधर उधर घूमते रहेंगे ने लंगर के कट्ठे हुए होंगे ने कुछ चुक रहे होंगे ने तो मतलब साढ़े को आ रहे ने पर आप इन्हों दे ही रहे हैं सो जस्ट फूड तो है एक चीज़ पर इस तो इलावा क्योंकि बच्चे ने कि एक ही सीख रहे ने इन्हों खुद नहीं पता बस एक कॉपी कर रहे हैं और दूसरा ये कि इतने बहुत सारा यूथ आ रहा ने और काफ़ी टाइम वो कई बार वेले भी बैठे होंगे ने तो असी सोचा कि क्यों ना इस एनर्जी नू यूज़ करिए इन्हों बच्चों नू पढ़ाया जाए ताकि ये भी कुछ सीखन और असी भी इन्हों तो कुछ सीखिए तो इसलिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया बच्चे फिर तारीफ करते हैं पंजाबियों की पंजाबी पढ़ाने सो स्पेशली जो असी स्टार्ट किया असी सोचा ही कि असी पंजाबी नहीं सिखावांगे क्योंकि बच्चे इतों के नहीं असी इन्हां नूं हिंदी जां इंग्लिश जां जो भी ये सीखना चाहते हो सिखावांगे पर बहुत ही अलग चीज़ देखने नूं मिली कि ये बच्चे जो साढ़े कोल आए तो 5-10 मिनट च कि असी पंजाबी सीखनी आ तुसीं असी पंजाब जाना चाहते हाँ सानूं पंजाबी बहुत चंगे लगे बट ये हमेशा ही मतलब चॉइस रखी गई है जिवें ये वाला ग्रुप आ ये पंजाबी सीख रहा है और इन्हां नूं पुछया गया कि तुसीं सीखनी आ तो इन्हां ने कहा हाँ जी असी सीखनी आ फिर इन्हूं पंजाबी सिखा रहे ने पर कुछ बच्चे ये ने छोटे बच्चे ने तो इस करके इन्हों जिमें एनीमल्स नेम बर्ड्स नेम तो कुछ रिसोर्स साढ़े को मिले सी तो उन्होंने हेल्प के नाल सीख रहे ने कोई कहानी सिखा रहा सो जिन्हें भी साढ़े को वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं जो उन्होंने स्किल्स ने उन्होंने यूज़ करके वह इंगेज कर रहे हैं बच्चों सो मोरओवर काफ़ी सारे मैं दस देव अखर जो देख रहे हैं 2-3 बच्चे ना मैं इतने मैं पछाने क्योंकि मैं इन्होंने गलबात की सी कोई कूड़ा चक रहा है तो मैं उदो इन सच जाने उन्होंने पूछा कि तो पढ़न का शौक है कहते मेरी मम्मी मैं पढ़ा चाहते थे पर मैं कूड़ा चक नहीं पर बेटी मैं देख रहा तुम पढ़ा रहे हो मैं खुद बहुत खुशी हो रही है हाँ जी वह मैंने भी रस्ते मिली सी तो मैं जिस एक
मतलब शुरू वाले देश दे विच इदां ही कि बच्चों खुद लैके आना पैंदा ही, पर हुण इह देखदे ने कि मतलब इत्थे पढ़ाई चल रही है तो अपने आप आ जांदे ने ते बच्चे फिर सारे इकट्ठे कमी करे जस्ट रस्ते विच तुरदे फिरदियां बस मैं हैंड तुसीं पुछिया कि तुसीं पढ़ना चाहुंदे हो। हाँ मैं ये सोचा कि असी मैं इन्हां नाल गल कीती कि स्कूल जांदे हो और फिर मैंने पूछा कि असी आपां इदां दी एक्टिविटीज़ करा रहे ने कोई बंदिश नहीं होएगी तुसी बस देख लो स्पेस ते जाके अगर तुहानूं चंगा लगेगा तो बैठ जाना अगर नहीं लगे तो वापस चल जाना पर ये आउंदे ने तो फिर जाना ही नहीं चाहते मतलब इस तरह का इन्हां दा रिश्ता जिहा बन जांदा है। और सब तो सोहणा ये हुंदा जदों कुछ बच्चे रेगूलर आउण लग पए ने तो आण के जिवें हग करदे ने तो उन्हां दा जो मतलब एक वक्री जी सांझ जी बन रही है इन्हां नाल मन अंदरों खुश होंदा होगा बहुत ज़्यादा सुकून मिलता होगा। हाँ जी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये वैसे भी पसंद है और इतने आन के जिंदगी जीवन का मनोरथ भी यही है ना। हाँ जी मैं एजुकेशन जी ही काम करना चाहती हूँ स्पेशली मैं इवें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हाँ और करने की कोशिश भी कर रहे हैं जिते बच्चे फ्रीली पढ़ सकन और अलग अलग जिवें इन्हां दे सारयां दे इंटरस्ट भी वख वख होणगे तां इन्हां दी इदां दा प्लेटफॉर्म जिते वखरियां वखरियां स्किल्स नू यूज़ करके अपना टैलेंट पहचान सकन। सिक्ख्या वैसे भी बहुत जरूरी कहिंदे कि जिहड़ा ही संघर्ष लड़ रहे हैं अज हाकमां नाल आड़ा लै रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स दे विच चंगे बंदे नहीं आ वोट पाउण वाले कहिंदे कि अनपढ़ हुंदे ने ज़्यादातर इहो जिहे भी आपां टिप्पणियां देखियां सिक्ख्या कहिंदे बहुत जरूरी देश बनाउण च। हाँ जी वो तो है जिवें एक छोटा जिहा एक्शन ही आ कि इन्हां नूं असीं कहा कि तुसीं उह दसो की सीखना चाहुंदे हो तुहानूं उही सिखावांगे सुणे बच्चा की सीख रहा है चॉइस फ्रीडम टू चूज़ तां जेकर उहनूं इस चीज़ की आदत पै गई तो वह डेफिनेटली ये चीज़ उहदी परसनैलिटी च भी अगे बिल्ड हुंदी जाएगी। जे किते नैशनल मीडिया इत्थे आ जावे किते ना कहन लग पवे वी देखो जी अतवादी बच्चा नूं पढ़ा रहे ने अपना है ना अपना साहित्य पढ़ा रहे नहीं असीं अपना साहित्य इदां नहीं कि आपां थोप रहे हां उहनां ते और जिवें मैं तुहानूं कहा कि चार पांच बच्चे ही हन जिन्हां ने कहा कि पंजाबी सीखनी तां ही असीं उहनां नूं सिखा रहे हां बाकियां दीआं एक्टिविटीज़ सब तो डिफरेंट ने सो इदां कुछ ये नहीं आ कि आपां उहनां ते कुछ थोप रहे हां। किवें देखदे हो ये तो एक पासे तुसीं अपना चला रहे हो संघर्ष किवें देखदे हो क्योंकि जिहड़ी गल मैं नैशनल मीडिया की करी कि कहिंदे भी किसानी राहीं अतवाद आऊगा लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा किसानों से उन्होंने खालिस्तान नहीं देखते दे। गोदी मीडिया नूं किवें देखदे हो सारयां दे मतलब अपने ओपीनियन जो भी वो बनाना चाहते हैं साडा यह कि असी सच्चे मन दे नाल जिस परपसली इत्थे आए हाँ उन्हूं पूरा करन दे विच अपना जिन्ना भी योगदान पा सकते हैं उन्ना पाते रहिए उन्हां दे जो भी कह रहे ने मैं उन्हां दा मतलब संघर्ष किवें देखते हो चलो छड्डो इस चीज़ नूं संघर्ष किवें देखते हो वक्खो वक्खरे रंग देख रहे ने ये भी एक तुसीं रंग बनाता संघर्ष किवें देख मैं इत्थे बहुत सोहणे सोहणे मैनू देखण लई मिलण डे चांस जिवें किताबां लग्गियां होईयां सी तां एक मुस्लिम ते सिख दोनों कन्वरसेशन कर रहे थे उन्हां विच बुक ही तां मैनू बहुत सोहणा लग्गिया कि मैनू लग्गिया कि जे प्रोटेस्ट इदां दे हुंदे आ ना ते बहुत इदां प्रोटेस्ट होणे चाहीदे ने तां मतलब बहुत सोहणियां कहानियां मिलणियां जिवें इह सारे भी जिवें इत्थे सांझी सत स्टार्ट होई आ इत्थे लोकां ने विचार वटांदरा करना शुरू करता किताबां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां और हरियाणा के लोग जिन्हां नूं आपां कदी नहीं जाणदे शायद कदी ना मिलदे तां सानू उन्हां नाल भी सांझ हो रही है सो नवे रिश्ते बन रहे ने यूथ सामने आ रहा है स्पेशली मुंडिया बारे धारणा होंगी कि पढ़ते नहीं इतने तुम देखोगे ज़्यादातर मुंडे ही पढ़ रहे हैं सो काफ़ी सारे जिहड़े पहलां तो साढ़े दिमाग दे विच धारणा वा ही वो टुट रही ने। राती नींद वधिया होंदी है? हाँ जी बहुत वधिया क्योंकि जो इतो जाने तो कुछ पीस वधिया मतलब मन नूं सुकून जिहा मिलता है तो फिर इस करके ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 2 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 65 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 1-2 ਘੰਟਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ